अम्मा ए मुखिया को मेरे संग क्या दुश्मनी है, ये बात अब तक समझ में ना आवे। दुश्मनी ना होवे बेटा, बस वो जिद कर बैठा है। ए भाव, अगर तू दस्त की जमीन में कुआं खोद लेता तो हमरो पैर मुखिया की गर्दन पे होता। मोगरा, थारो भाव कुआं जरूर खोदे, ये सारी बस्ती जाने कि चांदी सोना के साथ जिंदगी गुजारना चाहे। ये बात मुखिया की समझ में क्यों ना आवे? सोना, हमारे चाहने से कुछ ना होवे, ये फैसला तो ऊपर वाला करे। ऊपर वाला तो अपने हत्था से बनाए मिट्टी के बंदों से बहुत प्यार करे है। हम लोग का एक दूसरे से नफरत करे है। ए मुखिया ने हम लोग का पे अपने झोपड़े का दरवाजा बंद कर दिया। चांदी के दिल का दरवाजा बंद करके दिखाए। हाँ अम्मा, तू मुखिया को बोल कि चांदी के दिल का दरवाजा बंद करके दिखाए तो मानू। अम्मा ए मुखिया को बता दे, जिस दिन मन्ने और चांदी ने सर उठा के बस्ती के सामने अपने प्यार की दुहाई दे दी ना, उस दिन मुखिया को खुदा थी खुदाई भी ना माफ कर सके। हाँ ओ, तू दिल बुरा ना कर, मन्ने पूरा यकीन होवे कि चांदी मुखिया को मना लेगी। हाँ मुखिया को तो मानना ही पड़ेगा मोगरा, नहीं तो मैं अभी मुखिया की झोपड़ी के सामने जाके चांदी को आवाज दूं, फिर देखूं ये मुखिया चांदी को कैसे रोक सके। अभी जाऊं। सोना सोना बेटा, नहीं जग तमाशा देखेगा, मुखिया को बेइज्जत ना कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू बेटा, हाथ जोड़ू, मुखिया को थोड़ा थोड़ा सोचने का वक्त दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू। मेरे आगे हाथ ना जोड़, मन्ने बता दे कोई ये मुखिया को मेरे साथ क्या बैर है। हाँ ओ, भाव सुन मेरी बात, सुन मेरी बात ध्यान से। दो चार दिन में साई की कचहरी लगने वाली है, मैं जर्दा से भी बात कर ली है, जर्दा से बात भी करूंगी। अरे मैं खुद साई के पास जाऊंगी, साई से बात करूंगी, और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, साई मुखिया को मना लेगा और वो मान जावेगा। तू फिक्र ना कर मेरा भाई, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहन पर यकीन रख, बहन पर।